देखिए, हमारे यहाँ जो है, हमने अपनी तहसील के सभी ग्रामों में जो है, लेखपालों से जितनी भी ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे, तालाबों पे अवैध कब्जे हैं, सब चिन्हित करा के सूची बनवा ली है। और उसके बाद हम लोग ग्राम वार हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं उनको हटाने का जो है। तो कल जो है, हम थाना दिवस था, रहमतपुर से फलोदा में जो है, पुलिस भी और रेवेन्यू स्टाफ दोनों साथ में गया था। और वहाँ दो जोड़ के नंबर हैं, बाकी अन्य सरकारी भूमि थी वो सब खाली कराया गया है। सर, कितने जो तहसील अक्षेत्र में कितने जगह अवैध कब्जे हैं जो आपने चिन्हित किए? ये हमारे यहाँ 457 जगह आया है जो कि अवैध कब्जे हैं, और कुल मिला के 69 हेक्टेयर ज़मीन है जो कि खाली होनी सर, है। 69 हेक्टेयर लगभग कितनी बैठेगी? 69,000 वर्ग मीटर। 69,000 वर्ग मीटर से कब्जा जी है। जी जी तो सर, इस संबंध में नोटिस जारी किया गया कुछ? नहीं, देखिए, अस्थायी ज़मीन से कब्जा हटाने के लिए कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो इसके अलावा स्थायी जमीन कब्जे हैं, जैसे कुछ मकान बने हैं, उसके लिए विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। कितने लोगों को नोटिस भेजा है? तो इसमें हमारे यहाँ जो विधिक प्रक्रिया है, अस्थायी भूमि से कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार के न्यायालय में जो है वाद दर्ज होता है, उसका उसके नोटिस जारी होते हैं धारा 67 राज्य संहिता के अंतर्गत जो है।